हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इश्यू ऑफ शेयर का जो टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी आप शेयर इशू कर रहे हो लेकिन कंसिडरेशन आपका कैश नहीं है, यानी आप कैश के अलावा जो है वो कुछ लेना चाहते हो, उसके लिए क्या एंट्रीज होती हैं पहले वो समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप एसेट्स को परचेज करेंगे तो पहली एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स को डेबिट क्यों किया? डेबिट व्हाट कम्स इन, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, किससे खरीदी? वेंडर से। वेंडर कौन? सेलर। क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट द गिवर। तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सर, सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब देखो, वेंडर को पेमेंट करना है और वेंडर को पेमेंट इस चैप्टर में हम शेयर्स के थ्रू करेंगे। तो वेंडर जो कि क्रेडिट हुआ था, जो कि हमारा क्रेडिटर था, अब उसको डेबिट कर दे, पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। और हो सकता है कि सर ये तो अपन ने एट पार इशू किए हैं, हो सकता है हम प्रीमियम पे इशू करें, एट प्रीमियम, तो भी एंट्री क्या होगी? देखो, ये तो पार की थी, इसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। तो ये पहली एंट्री तो कंपलसरी है, होनी होनी है। इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, या तो एट पार और या एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट तो अब होता ही नहीं, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो शेयर हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। सही है। तो इसीलिए यही दो एंट्री हो सकती हैं वेंडर को पेमेंट करने की। पहली एंट्री में हमने वेंडर को क्रेडिट किया था, क्रेडिट द गिवर, और अब हमने डेबिट किया है वेंडर को, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। इन दोनों में से एक ही एंट्री होगी। और इसके लिए हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करवा लें। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करवा रहे हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है, उसको भी देख लें। नंबर ऑफ शेयर्स का आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ टाइम काम आएगा। अमाउंट टू बी पेड का मतलब क्या होता है? अमाउंट टू बी पेड का मतलब वेंडर को जितने रुपए देने, यानी यहाँ आपने वेंडर को जितना क्रेडिट किया है, ठीक है। तो यह अमाउंट टू बी पेड में आपका आता है वेंडर का अमाउंट। इशू प्राइस, इशू प्राइस तो देखो 100 रुपए का शेयर है तो 100 भी हो सकती है, और 110 रुपए में इशू करो तो 110 भी हो सकती है। पार पे हो सकती है, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिर्फ दो ही एंट्री का खेल है, कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके लिए हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, विमल लिमिटेड वाला। विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। कमल लिमिटेड से खरीदी है तो कमल लिमिटेड हो गया वेंडर, जिसने की माल बेचा, हमने उससे मशीनरी खरीदी। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कहता है पेमेंट जो हम करेंगे वो 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करके करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। फोर, परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर दो तरीके से करने हैं, पहला इशू ऑफ शेयर एट पार, दूसरा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऑफ 25%। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2007 में आ चुका है। तो देखें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपने एसेट्स खरीदी और एसेट्स का नाम भी यहाँ दे रखा है, दैट इज मशीनरी। तो सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना है, सन्ड्री एसेट्स का नाम दे रखा है तो हम लिखेंगे मशीनरी। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू, किससे खरीदा? वेंडर से, और वेंडर का नाम यहां दिया है कमल लिमिटेड, तो टू कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड का अकाउंट है। कितने की मशीनरी खरीदी? मशीनरी खरीदी आपने 9,90,000 की।
ये लो जी मशीनरी खरीद ली। अब कमल को पेमेंट करना है क्योंकि कमल को क्रेडिट कर दिया, कमल को क्रेडिट कर दिया तो कमल हमारा क्रेडिटर बन गया। अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। तो पहली कंडीशन कही है इशूड एट पार, यानी कमल लिमिटेड का पेमेंट करना है, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,90,000 रुपये दे थे तो 9,90,000 के आप जो शेयर हैं उसे इशू कर देंगे। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है। इसी में ये तो एट पार थी, इसी में कहा गया कि अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू करो तो एंट्री क्या करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप उनको प्रीमियम पे शेयर इशू कर देंगे। कैसे? कमल लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंट्री? 9,90,000 का पेमेंट करना है। तो आपको इस कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड कमल को कितना है? 9,90,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और 100 रुपये का शेयर आप 25 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हो 125 में, यानी 9,90,000 डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 7,920 शेयर्स। आपको इतने शेयर जो हैं वो इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर पहले आपको निकालना पड़ा, तो 7,920 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। 7,920 शेयर इशू करेंगे, 100 रुपये का एक और उस पर प्रीमियम है 25 रुपये प्रीमियम। तो 7,920 इंटू 100, दैट इज 7,920,000 और 7,920 इंटू 25, दैट इज 1,98,000। इस तरीके से आप प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपने पार पे इशू किया, यहाँ आपने प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हुआ वेंडर का। आगे देखते हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 12 का ए ले रहे हैं। रोहित लिमिटेड, रोहित लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम रोहन एंड कंपनी, यानी वेंडर है, 3,50,000 का। अ सम ऑफ 75,000 वॉज पेड बाई मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी चेक से पे कर दिया। एंड फॉर द बैलेंस ड्यू रोहित लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। CBSE 2004 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले आपने एसेट्स को परचेज किया रोहित लिमिटेड की, तो एसेट्स का नाम आपको दिया नहीं है, तो फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी सन्ड्री एसेट्स। नाम नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स कोई भी एसेट हो सकती है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर का नाम दिया रोहन एंड कंपनी, तो टू रोहन एंड कंपनी, और ये एसेट्स आपने खरीद ली है 3,50,000 की। ठीक है, अब रोहन लिमिटेड को चेक दिया गया कितने रुपए का? 75,000 का। तो डेबिट द रिसीवर, रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 75,000 का चेक इनको दिया गया। ठीक है, अब देखो 3,50,000 की एसेट ली थी, तो रोहन एंड कंपनी क्रेडिट थी 3,50,000 से, उसमें से डेबिट हो गया 75,000। 3,50,000 माइनस 75,000, यानी अभी भी 2,75,000 का पेमेंट करना बाकी है। उसके लिए हमने शेयर इशू किए हैं, तो वही डेबिट द रिसीवर, रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये 2,75,000 जो बैलेंस अमाउंट उनको पे करना है। उसके लिए हम उनको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो भी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर पहले कैलकुलेट कर लें।
नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट टू बी पेड, तो रोहन कंपनी को कितने रुपए पे करने हैं, 2,75,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, तो 100 रुपए का शेयर है और आप 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है सॉरी, और आप 10% प्रीमियम यानी 1 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, इसका मतलब 2,75,000 डिवाइडेड बाय 11 और ये आपके नंबर ऑफ शेयर जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 25,000 शेयर्स। तो 25,000 शेयर्स आप इशू करोगे, एक शेयर 10 का है उस पर 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 25,000 इंटू 10 दैट इज 2,50,000 एंड 25,000 इंटू 1 दैट इज 25,000। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर पहले आपको यहाँ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर यहाँ आएगा, फिर आप इन अमाउंट से इनको मल्टीप्लाई करके ये फिगर निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, टैगोर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस, आपके बिजनेस ही खरीदा है, तो बिजनेस खरीदा है और फॉर ए सम ऑफ 48 लाख, यानी अमाउंट पहले तय कर लिया कि ये बिजनेस हम आपका 48 लाख में खरीदेंगे, ठीक है। पेबल बाय इशू फुली पेड अप शेयर ऑफ 20 चेट ए प्रीमियम 20%, ठीक है। एसेट्स एंड लाइब्रेरीज प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर क्रेडिटर सब ने बिजनेस खरीदा, तो ऑब्वियस है सारी एसेट सारी लाइब्रेरीज आएंगी उस हिसाब से। तो ये टैगोर लिमिटेड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले तो अपन ने एसेट्स खरीदी हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन उसी थीम पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी ली, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की ली, 25 लाख की। फिर आपने स्टॉक लिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, वही डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहे हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15 लाख। फिर आपने डेटर्स लिए, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स आपने लिए 8,60,000 के, और लाइब्रेरी लिए हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, बताऊंगा आगे ऐसा क्यों किया, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर लाइब्रेरी क्रेडिट क्यों, भाई ऐसा डेबिट हुई है तो लाइब्रेरी क्रेडिट होगी, तो लाइब्रेरी कितने की ली, 3 लाख की। और किससे ली, तुलसी ब्रदर्स से, तो वो वेंडर है, तो टू तुलसी ब्रदर्स ये आपका वेंडर है, और वेंडर में परचेज कंसिडरेशन पीसी का अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन, और सौदा तय हुआ था 48 लाख रुपीज में, ये आपको गिवन है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, है ना। अब हम देखेंगे कि हमारी डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर नहीं आ रही, डेबिट क्रेडिट का टोल आ रहा है 51 लाख, लेकिन डेबिट का टोल इतना नहीं आ रहा, डेबिट में कम पड़ रहा है 2,40,000, तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट इतना कम पड़ रहा है, जितना अमाउंट डेबिट में कम पड़ रहा है वहां लिख दो, और जब डेबिट कम पड़ता है तो हम लिखते हैं गुडविल, तो यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये फिगर कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर में, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, कैसे निकला, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, इस तरीके से ये आपकी एंट्री की जाएगी, सही है। तो सारी एसेट्स को डेबिट किया, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, पीसी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड ज्यादा पड़ रही थी, डेबिट साइड कम पड़ रही थी, इसलिए डेबिट को फिलअप करने के लिए यहाँ गुडविल लिखा गया। अब तुलसी ब्रदर को 48 लाख देने हैं, तो डेबिट द रिसीवर, तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, उसको क्या दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो भी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तुलसी ब्रदर को 48 लाख रुपीज आपको देने हैं, उसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट टू बी पेड तुलसी ब्रदर्स को कितना पे करना है आपको, 48 लाख, और आप इसका पेमेंट जो कर रहे हैं 20 रुपए के शेयर से कर रहे हैं, वो भी 20% प्रीमियम, 20 का 20% कितना होता है, 4, तो 24 पे इशू कर रहे हो, तो 48 लाख डिवाइड बाय 24 करेंगे तो ये आपका आएगा 2 लाख शेयर्स, आपको इतने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो ये 2 लाख आपका यहाँ आ जाएगा, यानी आप 2 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं।
और एक शेयर कितने रुपए का है, 20 रुपए का, तो उस पर प्रीमियम कितने का है, 4 का, तो 2 लाख × 20 दैट इज 40 लाख एंड 2 लाख × 4 दैट इज 8 लाख, अपने आप ही 48 लाख हो गया, हमें 48 लाख का ही पेमेंट करना था। तो इस तरीके से ये हमेशा बराबर ही बैठेंगे, इसीलिए हमने नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ सीखने की बात ये थी कि अगर कोई बिजनेस आप परचेस कर रहे हैं और डेबिट साइड कम पड़ जाए तो आपको गुडविल लिखना पड़ता है, सही है। अब अगर क्रेडिट कम पड़ जाए तो क्या लिखना पड़ता है, उसके लिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, आर लिमिटेड परचेज या रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं मेसर्स मुखर्जी ब्रदर्स का फॉर ए सम ऑफ 60 लाख, परचेज कंसिडरेशन हो गया 60 लाख, पीसी का अमाउंट तय हो गया और ये हम पे करेंगे 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर 40 रुपये पे इशू कर कर, यानी 10 का शेयर आप 40 पे इशू कर रहे हो तो इसका 30 रुपये तो प्रीमियम ही है। द एसेट्स एंड लाइब्रेरीज ये आपको दे रखी है, किसमें ली, पास जनरल एंट्रीज, आपको आर लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पूछी है, ठीक है। तो जो जो एसेट्स आपने ली हैं सिंपली उनको डेबिट करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने ली लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये आपने ली है 32 लाख की। फिर आपने ली है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये आपने लिया है 16 लाख के। फिर आपने स्टॉक लिया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट ये आपने लिया है 15 लाख के। फिर आपने डेटर्स लिए हैं तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट और ये आपने लिए हैं 6 लाख के। अब एक लाइन छोड़ देंगे, टू अपने क्रेडिटर्स भी लिए हैं तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 4 लाख, और किससे लिए हैं, मुखर्जी ब्रदर्स टू मुखर्जी ब्रदर्स, यहाँ पीसी का अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आपका आएगा जितने का आपका सौदा तय हुआ था दैट इज 60 लाख। तो हमने डेबिट में सारी एसेट्स लिखी हैं, क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज लिखी हैं, तो अब क्या है, डेबिट साइड जो है वो आपकी ज़्यादा आ रही है तो कम अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड का पड़ रहा है और ये 5 लाख रुपये से कम पड़ रहा है। अब 5 लाख अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा, तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं, डेबिट में तो गुडविल लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। तो डेबिट कम पड़ती है तो गुडविल लिखा जाता है और क्रेडिट कम पड़ती है तो कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है। तो इस तरह से मुखर्जी लिमिटेड को क्रेडिट दे दी गई 60 लाख की। अब मुखर्जी लिमिटेड को पेमेंट करना है मुखर्जी ब्रदर्स को, तो मुखर्जी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और वो भी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सही है। मुखर्जी ब्रदर को कितने रुपए देने हैं, हमको देने हैं 60 लाख रुपीस देने हैं, ठीक है। इसके लिए हमको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड वेंडर को कितना पे करना है 60 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 10 रुपए का शेयर 30 के प्रीमियम पे यानी 40 पे इशू कर रहे हो कुल मिलाकर, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 40 दैट कम्स 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर आपको इशू करने चाहिए, तो 1,50,000 शेयर हम इशू करेंगे, एक शेयर 10 रुपये का है, प्रीमियम 30 का है, तो 1,50,000 × 10 दैट इज 15 लाख और 1,50,000 × 30 दैट इज 45 लाख, टोटल वही 60 लाख ही बैठना है पर देने का तरीका है। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए गए और देन ये किया गया। सीखने की बात यह है कि जब क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो ये है आपका इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें ये आपकी फिक्स एंट्रीज हैं और क्वेश्चन आप करिए, परफेक्शन अपने आप आएगा। ओके, थैंक यू।